إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار की हदीस और सुन्नत हो उसे
ऐसी जुबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई गालियां भी देगा, हम अल्लाह पाक की तौफीक के साथ हंसते मुस्कराते कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ बात करेंगे। मसाइल जो बयान किए गए, पता नहीं किसी ने सवालात दिए भी हैं या खुद बना के किए हैं, ये अल्लाह बेहतर जाने। एक सवाल इमामों की तकलीद के हवाले से, दूसरा सवाल एक ही मदरस में कोई तीन तलाकें इकट्ठी दे दे तो वो तीन होती हैं या एक, तीसरा सवाल इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं, और चौथा सवाल रुकू जाते और उठते वक्त रफ़ुल यदैन करना है या मंसूब हो गया है, पांचवा सवाल रमजान अल मुबारक में पूरा महीना इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी पढ़ना है और उसकी तादाद कितनी है। इसके सिमर में भी कई बातें आई हैं, छोटे छोटे मसले, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़िमनन ही बयान करूँगा। तो ये पांच मसले मद्देनजर रहे हैं। तकरीरें बड़ी होती रहती हैं, आप भी सुनते रहते हैं, मुझसे पहले मेरे भाई बयान भी फरमा रहे थे। हमारा चूंकि ये रोज का काम है, अल्लाह पाक की तौफीक से जिधर जाते हैं लोग मसाइल पूछते हैं और कुरान और सुन्नत की रूह से अल्लाह तबारक व तआला को राशि करने के लिए हम अपनी बसात और हिम्मत के मुताबिक जवाब देते हैं। पहला मसला ये किया गया कि हम इमामों की तकलीद क्यों करते हैं और तकलीद की जरूरत पड़ती है कि नहीं, तो बयान करने वाले ने कहा मैं अल्लाह के कुरान से दलील देता हूँ। आप जरा गौर कीजिए, दलील बंदा देते हुए आयत का या हदीस का सियाक व सबाक आगे पीछे सारा सामने रख के बात करे फिर तो बात हुई, और अगर वो आयत का कुछ हिस्सा पढ़े और कुछ हिस्सा जिक्र ही ना करे तो ये रब के कुरान में खयानत है, जो उलमा के लिए जायज नहीं। तो कुरान की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम और जो तुम में साहिबे अमर हैं उनकी इताअत करो। यहाँ तक की आयत पढ़ी, अगला हिस्सा नहीं जिक्र किया कि आगे अल्लाह क्या कहता है। आयत के आगे ये है फइन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर किसी भी मसला में तुम्हारा आपस में तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ बन जाए तो फिर क्या करना है, फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल। अल्लाह ने फरमाया तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह की तरफ लौटाना है और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप इस आयत को देखें, अतीउल्लाह अल्लाह की मानो, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल और रसूल की इताअत करो, तीसरी बात क्या है, उलिल अम्र मिनकुम जो तुम में से अमर वाले हैं उनकी इताअत करो। अब अमर वालों की शरह करते हुए हजरत साहब ने ये कहा कि हजरत जाबिर रब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि इससे मुराद फिका और इज्तिहाद वाले लोग हैं, लेकिन इस बात का हवाला नहीं हजरत रज़ी, ये किस सनद के साथ कहां मर्जी है और इसकी सनद सही भी है, लेकिन ये बात जिक्र नहीं की। मैं इस बात की तरफ जाता ही नहीं कि ये सही है या नहीं सही, मैं आपकी तवज्जो कुरान की आयत की तरफ दिलाता हूँ। अल्लाह ताला की इताअत की बात जब यहाँ आई सूरत निसा की आयत में तो अल्लाह ने कहा अतीउर रसूल, रसूल की
अतीउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, रसूल की बात आई तो फरमाया वा अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानने की बारी आई तो अल्लाह लफ्ज़ से पहले अतीउ लफ्ज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की बारी आई तो वहां भी वा अतीउर रसूल कहा। अब सवाल यह है जब उलिल अमर की बारी आई तो यह अतीउ का लफ्ज़ क्यों नहीं जिक्र हुआ, अल्लाह की बात मानने के लिए लफ्ज अतीउ हुक्म है, इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की यहां बारी आई तो फरमाया वा अतीउ रसूल, रसूल की इताअत करो, अतीउ अमर का सीधा हुक्म वाला लफ्ज मौजूद है। लेकिन जब उलिल अमर की बात आई खाब हुक्मरान हूं या फिका इतिहाद वाले में विश्वास कर नहीं जाता वह अतीउ क्यों नहीं कहा, तो भाइयों ये बात है समझने की, अल्लाह की इताअत की बगैर किसी शर्त के मानी जाती है, रब की बात मानने में कोई पाबंदी और कोई शर्त नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए भी कोई किसी किस्म की शर्त नहीं है, अल्लाह की इताअत भी गैर मशरूत है, नबी की इताअत मशरूत है, और उन्हें अमर की दरबारी आई अतीउ जिक्र नहीं किया, सिर्फ वाव बीच में जिक्र की जिसका माना यह है उन्हें अमर ऐसी बात करे जो अल्लाह की और उसके रसूल की बात के मुआफिक है फिर उसको लिया जाएगा, अगर उसके मुखालिफ है तो फिर नहीं लिया जाएगा। क्यों आगे देखो आयत के आगे भी पढ़ो, ये क्या हुआ आधी आयत पढ़ ली और आज जो है उसे करी ना की अफतुमिनून बिबाज़ किताब व तकफुरून बिबाज़, कि आयत के कुछ हिस्से पर ईमान ले आना और कुछ का इनकार कर देना, मतलब अपना निकालने के लिए आयत का एक टुकड़ा पढ़ना और आयत का अगला हिस्सा कुछ ही मतलब को रद्द करता उसको जिक्र ही ना करना। आगे क्या फरमाया फइन तनाज़अतुम फी शैइन, किसी भी चीज में किसी भी मसले में तुम्हारा आपस में तनाजा हो जाए इख्तलाफ हो जाए इख्तलाफ हो जाता है फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उसको किधर लौटाना है अल्लाह की तरफ, और वहां क्यों नहीं फरमाया साथ आके उलिल अमर की तरफ भी लौटाओ। अगला सवाल इस मुकाम पर यह है अल्लाह ताला से कोई ईमान वाला इख्तलाफ कर सकता है, मुसलमान होकर अल्लाह से इख्तलाफ करे रखे तो मुसलमान रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी का नाम लेकर आपके साथ इख्तलाफ रखे मुसलमान रहेगा, अल्लाह की भी विरासत मानेगा उसके पैगंबर की भी विरासत मानेगा। लेकिन अगर किसी इमाम से इख्तलाफ कर ले इस्लाम से निकल जाएगा, मोमिन का ना अल्लाह से तनाजा है ना अल्लाह के रसूल से तनाजा है, मोमिनों का आपस में तनाजा हो सकता है, उलामा से तनाजा हो सकता है, फुकाहा से तनाजा हो सकता है, खुताबा से तनाजा हो सकता है, मुफ्तियान से तनाजा हो सकता है, कारी अल आलम से तनाजा हो सकता है, दुनिया के हर फर्द से तनाजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से मोमिन का इख्तलाफ और तनाजा नहीं हो सकता। तो जब तनाजा हो तो फिर किधर ले जाएंगे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तो पढ़ने वाले ने आए तो पढ़ी आगे फुकहा और इज्तिहाद वालों की भी जरूरत पड़ती है, हम ये नहीं कहते नहीं पड़ती, फुकहा और इज्तिहाद वाले लोगों की वही मानी जाएगी जो कुरान सुन्नत के मुआफिक होगी, अल्लाह उसके रसूल के मुआफिक होगी, और जो मुखालिफ होगी वो अच्छा अभी आप ये कह सकते हैं इतने बड़े बड़े उलामा फुकहा मुज्तहिदीन उनसे इख्तलाफ, क्या अल्लाह रसूल की मुखालफत कर सकते हैं? भाइयों कसम कोई नेक आलम जान बूझ के अल्लाह रसूल की मुखालफत
नहीं करता, लेकिन मोमिन से मुज्तहिद से फकीर और मुहद्दिस से खता हो सकती है। खताओं से मासूम तो अल्लाह के पैगंबर हैं। अगर अल्लाह के नबी के सिवा बाद में आने वाले उलमा इमामों को भी आप मासूम अनिल खता मान लें, आपने और बारह इमामों वालों में क्या फर्क रहेगा? वो भी तो कहते हैं अल्लाह के पैगंबर का जो नायक होगा, जो वारिस होगा, वो भी मासूम मिनल खता होगा, जैसे पैगंबर मासूम मिनल खता होता है। अगर वो मासूम मिनल खता ना हो तो पैगंबर की मियादत कैसे जा सकता है? जो मैं दूर नहीं जाता, मैं बड़े करीब से आपको मिसाल देता हूं। फिका हनफी की किताबों में से मदारस में पढ़ाई जाने वाली फिका की इब्तदाई किताबों में से एक किताब का नाम है अल कुदूरी, जिसको लोग कुदूरी शरीफ भी कहते हैं। ये इतनी सी किताब है और इसमें इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, कासिम यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद, इमाम सुफर, फिका हनफी के उलमा के दरमियान जो मसाइल का आपस में इख्तलाफ है, इस एक छोटी सी किताब में 286 मसलों में अगर इख्तलाफ उलमा का नहीं हो सकता, ये फिका की छोटी सी किताब में 286 मसाइल में इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? मैं मिसाल देने लगा, नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। अच्छा, उसमें कुछ आजा है जो धोए जाते हैं और एक हिस्सा ऐसा जहां पर मसा भी है, ऐसे ही अलग है, इसको इख्तलाफ को नहीं समझ लेते। अच्छा, आज ये जो धोने हैं, कुरान कहता है कि अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, सूरह मायदा में वुजू वाली आयत है, इला कुम तुम मेरे सलाम फक्सलू वुजूहकुम, ये जो आयत करीमा है इसका आपको कहां धोने का हुक्म है? इला ये कोनी नुकर जवाब, ये कोनी कोनी का कौन है? अब इमाम अबू हनीफा काजी यूसुफ और इमाम मोहम्मद कहते हैं ये कोनी के अंदर दाखिल फर्द है, इसको ये नहीं है कि कोनी के अंदर दौड़ और कोनी मुशत है। इमाम साहब क्या फरमाते हैं? कोनी धोने में शामला फर्ज है। अच्छा, वुजू के फराइज में कोई फर्ज रह गया, वुजू होगा नहीं? जो उनके शजरत इमाम सुफर है वो कहते हैं कोनी तक धोना है, इलाज मराज में कोनी तक धोना है, कोनी धोने में शामिल नहीं है। अब इख्तलाफ और तनाजा होगा तो हल किधर लेके जाओगे? यह दोनों मुस्तहिद है, इमाम सुफर तो जैन भी मुस्तहिद है, फिका हनफी के बड़े इमामों से है, और काजिम यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम अल्लाह के
फर्ज महाल इसको भी मान लेता हूं।
कितने हैं? चार। इनके हमारे शरीयत कुल कितने हैं? चार। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्ने हंबल। हमारे शरीयत कुल कितने हैं इनके यहाँ? चार। ये चार हक के अंदर ही लिखा हुआ 26 सफे के नजदीक, ये 26 सफे पर लिखा है। अगरचे वो सहाबा के कौल और सही हदीस और आयत के मुआफिक ही हो, कोई बात मसला कैसा करें जो सहाबा के अकवाल या सही हदीस या फिर कुरान की आयत के मुआफिक ही हो, कहता उसको भी नहीं माना जाएगा, सिर्फ चार मजहब ही माने जाएंगे। फिर आगे कहते हैं जो इन चार मजहबों से खारिज है वो गुमराह और गुमराह करने वाला है। जिन चार मजहबों से खारिज है वो गुमराह और गुमराह करने वाला है, क्योंकि हदीस व कुरान हदीस के मुताबिक बात करे, सहाबा के अकवाल के मुताबिक भी बात करे, तो चार मजहबों से बाहर निकल कर ना आयत मान सकते हैं, ना हदीस मान सकते हैं, ना सहाबी का कौल मान सकते हैं। तो कितने पर मायरे शरीयत है? कितने हुए? चार। अच्छा जी, आपको मसला पेश आ रहा है, कुरान वाला पढ़ना जानते हैं, कोई मसला आपको पेश आ जाए तो चारों में से किसको पूछोगे? चारों से एक भी नहीं है दुनिया में, मात्र है ही चार और चारों दुनिया से जा चुके। अब आपने किस माहिर शरीयत से पूछना है? जब चार के सिवा बाहर निकल के बात करना जानना में जाने के मुतरादिफ है, मसला पूछना इमाम अबू हनीफा से तो कहां जाएगा बंदा? पाकिस्तान में तो है नहीं, पहले तो यहां से टिकट करवाएगा इराक जाने की, फिर जाकर इमाम साहब की कब्र पर दुआई देगा, हजरत मैंने तो आपको मायरे शरीयत माना था, मसला पेश आ गया है, अब आप बताएं। मसला पूछे अपने मोहल्ले के मौलवी से और तकलीद का पटा डाल इमाम अबू हनीफा, बाप इसको बताया अपना मौलवी और के मुकल्लद हुआ इमाम अबू हनीफा, आप तेरा मौलवी मायरे शरीयत है, तुमने तो कहा तो चार से बाहर निकलकर तुम खुद ही तो मान रहे हो। यहां सवाल हो सकता है वो हमें इमाम साहब की बात ही बताएगा, भाई अल्लाह के बंदे अगर वो इमाम साहब की बात तुम्हें बताएगा तो रसूलुल्लाह भी क्यों नहीं बताता? ये जो कहते हैं कि हमारा मौलवी हमें इमाम साहब की फिका का मसला ही बताएगा, तो फिका जहां से निकाली गई है बकौल तुम्हारे कुरान सुन्नत से, तो मुफ्ती तुम्हारा मौलवी सीधा कुरान सुन्नत से क्यों नहीं बताता? तो इमाम अल-अंबिया सैयदुर रुसल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत क्यों नहीं करता? बस हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर ये फर्क है, तुम रसूलुल्लाह के नाम लेते हो वकालत नहीं करते। हम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं और जिस पैगंबर का नाम लेते हैं वकालत भी उसी पैगंबर की करते हैं। ये किताब है इमाम अहमद रजा और इल्म हदीस, एक मसला अर्ज करने लगा, एक तरफ बताओ रसूलुल्लाह की बात हो और एक तरफ इमाम साहब की बात हो, किसको ले रहे हैं? बताइए हमारा क्या अकीदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेनी है बात, एक तरफ अल्लाह के नबी की बात हो और एक तरफ किसकी बात हो? इमाम साहब की तो किसकी लेनी है? ये मैं अपनी नहीं, मैं अपने दोस्तों के घर से बात अर्ज कर रहा हूँ। इमाम अहमद रजा और इल्म हदीस जिसको वाला मतलब वो बेशक आगे पढ़ सकता है, देख सकता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आज भी कल भी जब भी किसी का चीज है वाला मांगे हमसे, ये पहली जिल्द है सफा 122 है।
मैं सिर्फ मसले की हिल्लत हुमत नहीं बयान करना चाह रहा, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की बात क्या है और इमाम साहब की क्या है। ये रसूल पाक का नाम लेकर अपने इमाम की लेता है या रसूलुल्लाह की लेता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखा जी घोड़े के गोश्त से मुतल्लक हदीस में है, ये किताब उनकी घोड़े के गोश्त के मुतल्लक हदीस में है। इन्ना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज़ेना फी अक्ल लहम अल-खैर, कहते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े का गोश्त खाने की इजाज़त दी। आगे लिखते इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है, तो इजाजत दी बकौल इसके। तो इमाम साहब क्या कहते हैं मकरूह तहरीमी है मकरूह। अब आप मुझे बताएं या अल्लाह के रसूल की वकालत हो रही है इमाम साहब की, साहब कहते हैं रसूलुल्लाह की हदीस में तो इजाजत है लेकिन इमाम साहब ने नहीं किया है मकरूह भी नहीं खाली मकरूह तहरीमी जो हराम के करीब होता है इनके यहाँ। आइए एक और मिसाल अर्ज करो, वहां पर ना दलाल जलसा अफजल साहब ने बड़ा मजाक करते हुए खड़े होके क्या कहा, कहते एक हमारी नमाज एक महावीर बताया क्या हजरत जी ने खड़े होके बड़े अदब से कहा नमाज बता दी कुर्बानी क्यों आज बात कर क्योंकि नमाज कांटे छोड़ी करके ये है। अब आप जरा गौर करें मैं यहाँ आपको इन्हीं के घर से मसला बता देता हूँ। हम हैं रसूलुल्लाह के वकील, किसके रसूलुल्लाह के वकील, हम किसी शख्स के वकील नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं हमारे ये जो भाई हैं इनकी ख्वातीन नमाज में अहकाम आती हैं, अगर अदब यही है तो औरतें यहाँ क्यों नहीं आती, औरतें बेअदब हैं तो यहाँ बात रहती हैं, अगर ये बेअदबी है और ये है अदब औरत को भी क्यों खड़े होना चाहिए। अब इन्होंने कहा औरत के लिए दलील क्या है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं पूरी दुनिया के मौलवियों से जाओ पूछो मुझे एक हदीस निकाल के दिखला दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत के लिए नमाज पहले
देता, ऐसी बात नहीं करता। मैं बड़े अदब एहतराम से दलाइल से बात समझाने के कायल है, किसी को लापता नहीं करता। ये देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाथ बांधे सीने पर, पहले किसको बांधा सीने पर, किसने बांधे, किसने बांधे, अल्लाह के नबी ने। और हमारे नबी ने मर्द और औरत की नमाज में फर्क नहीं किया, आपने खुद सीने पे हाथ बांधे, हम भी बांधते हैं। अब एक सवाल हो सकता है, ये जो हदीस बयान की गई, खुद मैंने उनके घर से दिखाई है, ये जो हदीस बयान की गई ये सही भी है कि नहीं, ये भी हो सकता है ना, ये जो हदीस रसूलुल्लाह सीने पर बांधे सही भी है कि नहीं। आपको पता है बरेलवियों के इमाम है अहमद रजा खान, ये उनका फतावा लिख दिया आला हजरत का, ये क्या फतावा लिख दिया, छठी जिल्द है, छठी जिल्द है, और 145 और 46 सफा है, और इनके जामिया निजामिया लाहौर से छपी है, 145 और 46 सफा हदीस लिखी है, तर्जुमा बयान करता हूँ उसका जो इन्होंने किया हुआ है। दूसरी सूरत सीने पर हाथ बांधने की है, इस बारे में इब्ने खुदैमा अपनी सही में हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत लाए हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में नमाज पढ़ने का शर्फ पाया, रसूल पाक की मैयत में आपके साथ यानी नमाज पढ़ने का शर्फ पाया, तो आपने अपना दाया हाथ बाएं पर रख कर सीने पर हाथ बांधे। हदीस बयान की आगे कहते हैं, चूंकि इनकी तारीख का इलम नहीं कि कौन सी रिवायत कौन सी बात की, और दोनों रिवायत साबित व मकबूल है, दोनों रिवायत साबित व ये रिवायत साबित है, मकबूल है, मरदूद नहीं है, गैर साबित नहीं है। फिर इसी तरह सफा नंबर 148 पर यह बात लिखी है और उसका तर्जुमा आगे 149 सफे पे ले गया, कहता है किसी ने खुदैमा ज्यादा राजे साबित हुई, साबित हो गया दोनों मसाइल में ऐसी हदीस मौजूदा जिसकी सनद जैद है। सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस की सनद को क्या कह रहा है, सनद जैद है, उम्दा है, बेहतरीन है। तो जैद सनद के साथ तेरे आला हजरत की किताब फतावा रिदविया में हदीस मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, हाथ दाया बाएं पर रख कर कहां बांधा, किधर बांधा, तो सीने पे हाथ बांधना अगर गुस्ताखी है तो माजरत के साथ कहूंगा, क्या अल अयाज़ु बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताखी की तालीम दी, अगर दूसरी बात कह चुका हूँ ये गुस्ताखी है तो फिर औरतों को कम से कम मना कर दें कि ये गुस्ताखी वाली हरकत ना करें, वो भी अपने हाथ नीचे ही बांधे। मैं वजह नहीं बताता कि ये क्यों कहते हैं कि मर्द नीचे बांधे और औरत सीने पर, वजह बताना मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू सिर्फ इतने आपको ये बताना कि अहले हदीस जो नमाज पढ़ता है दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख कर सीने पर बांधता है, इसकी दलील हदीस में भी है और आपके घर की दो किताबों से मैंने पेश कर दी, और किताबें भी वो हैं जो तेरे आला हजरत की हैं, फतावा रिज़वी आला हजरत का है और इसमें एक बरेलवी आलिम ने आला हजरत की बयान करता जिसने इन रिवायतें सारी जमा करी, 3 जिल्दों में छपी है। तो बात में ये अर्ज कर रहा था कि मसला पूछना हो, यही समझ में इख्तलाफ हो गया, हाथ कहाँ बांधने चाहिए मर्द को, तो बकौल उनके कहाँ से पूछना है, किसी माहिर शरीयत से, किसी माहिर, और माहिर शरीयत कितने, 4, इन्होंने चारों में से कितने माने हैं, चारों ही माने या एक माना है, एक भी नहीं माना वो मैं बताता हूँ क्यों की बात है, चारों में से फिलहाल जो कहते हैं वो कितने माने, एक। अब वो एक से मसला पूछते हैं या अपने गली मोहल्ले में रखे हुए इमाम और मौलवी साहब से पूछते हैं, मसला पूछे सैयद साहब से, मुकल्लद हूँ मैं इमाम अबू हनीफा का,
भैया आपने इमाम साहब का मसला ही नहीं बताया, आप तो इसे वायरस लिए समझ के मसला पूछे बैठे। जो कुरान भी पढ़ता है तो एक आयत आधा हिस्सा पढ़ता है, जो आगे उसके मतलब के खिलाफ हो पढ़ता ही नहीं है। हदीसों में भी ऐसे किया, मैं चला हूँ अभी अर्ज करूँगा बाद में। जिन्हें तकलीद है ना मेरे भाइयों, ये मना है इस्लाम में, तकलीद इस्लाम में मना है। सहाबी रसूल सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात अर्ज कर बयान करते हैं कि तीन चीज़ों से बचने का मसला बताते हैं। अब उसमें एक चीज़ ये है, ये जो उलमा है ना, जब उलमा से खता हो जाती है तो आलम की तकलीफ से भी ममानियत है, आलम की तकलीफ से भी ममानियत है। वासे लफ्जों में हदीस है, मैं हवाला का जिम्मेदार हूँ, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अम्मल आलिम फइहतदा फला तुकल्लिदू दीनकुम। अम्मल आलिम रहा दीन का जो आलिम है, फइहतदा तो अगर वो हिदायत के ऊपर भी हो, फला तुकल्लिदू दीनकुम अपने दीन में उसकी तकलीद ना करो। लफ्ज़ क्या है ला तुकल्लिदू, खास तकलीफ से ममानियत वाला लफ्ज़ है। ला तुकल्ले तू हो जी ना कम, आलिम की अपने दीन में तकलीद न करो। यह हवाला कहाँ है? इमाम मुकी बिन जर्रा रहमहुल्लाह की किताब उज़्ज़ुहद पहली जिल्द सफा नंबर 300 हदीस नंबर 71 इमाम इब्न अब्दुल बर की जामे इसी तरह इमाम इब्ने हज़म की जो उसूल फिका पर किताब अल
हिदायत पर भी हो तो लात कल्ले तू हो उसकी तकलीफ है। यही हदीस मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन भी कर दिए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी कर दिए। और मैं ये भी दावा से देता हूँ फिका मुफी के उसूल और ज़वाबत की रूह से ये रिवायत रसूलुल्लाह से भी साबित है। उसमें यह है नबी पाक फरमाते हैं तकलीद ना करो। कहां है ये रिवायत? उठाओ इमाम तबरानी की, तबरानी अल मुजम अल औसत और उसकी जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 326 अलामा हैसमी की जो किताब मजमल बहरीन फी ज़वाइद अल मुजम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 187 अलामा अली मुत्तकी अल हिंदी हिंदी की किताब कंजुल उम्मल जिल्द नंबर 48 और 49 पर यह रिवायत रसूल पाक से भी मनकूल है कि आलिम अगर हिदायत पर हो तो उसकी तकलीद नहीं करनी। जाओ एक हदीस ऐसी ले आओ नबी पाक ने फरमाया हो या किसी सहाबी ने कहा हो कि आलिम के दीन में तकलीद करो, जैसे हमने बाज़े लफ्ज़ जिक्र किए ला तुकल्ले तू, तो ऐसी रिवायत ले आओ जिसमें हो कल्ले तू तकलीद करो। देखो ना जी मुस्बत की का जवाब मनफी होता है, पॉजिटिव के मुकाबले में नेगेटिव होता है, हाँ के जवाब में ना होती है। मैं ना वाली हदीस पेश कर रहा हूँ ला तो कल्ले तू, तो एक हदीस इस बात वाली ले आओ कल्ले तू, लेकिन ज़खीरा हदीस में एक भी नहीं मिलेगा। फिर एक और बात करता हूँ, ये तकलीद का अरमान बड़ा वसी है, बस पहले इंजा इकतसार से बहुत सारे मसले करते हैं। एक बात करता हूँ, जिस वक्त अवाम की बारी हो मसला हो अवाम के लिए उस वक्त तो मुफ्ती उनको यही बताता है कि फिका भी दरबार निकल गए बात नहीं मानी। तो जिस वक्त मुफ्ती का अपने घर का मसला हो फिर मुफ्ती को इमाम साहब भी याद नहीं रहते। लो मैं मसला अर्ज करने लगा हूं, आप ये बताएं आपके गांव में जितनी मस्जिदें हैं इन मस्जिदों में कारी साहब या इमाम साहब या बाकी भी जितनी पाकिस्तान दुनिया भर में मस्जिदें हैं उन इमाम और खतीब हैं कि नहीं है, दरस देने वाले मौलवी हैं कि नहीं है? बोले क्या जो जुमा पढ़ाते हैं नमाजें पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तनख्वाहें लेते हैं? क्यों नहीं थोड़े पिंड शहर ना लेते हो लेते हैं, पक्की बात है। लो मैं दावे से कहता हूँ मुफ्ती से पूछो इमाम अबू हनीफा के मजहब में इमाम साहब के मुताबिक ये तनख्वाह लेना जायज है? इमाम अबू हनीफा के नजदीक दीनी उमूर पर उजरत लेना हराम है। मौलवी जलसा करके जाए कौन से पैसे ले जलसे के, तकरीर करे जाति दवा जेब गर्म करवा ले दीनी उमूर पर इमाम अबू हनीफा क्या कहते हैं ये क्या है हराम है। हजरत मुफ्ती साहब से पूछो मौलवी साहब से पूछो कि ये हराम क्यों खाते हो, इमाम साहब किसी के घर तलाक का मसला पेश आ जाए मौलवी को दर्द शुरू हो जाता है किसने हमसे हलाला क्यों नहीं करवाया, अपने घर की बारी है तो फिर ठीक है इमाम साहब को गलती ना दी। अच्छा इमाम साहब को गलती ला दी काजी यूसुफ को भी गलती लग गई है, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी को भी गलती लग गई है। तीसरी सदी हिजरी तक आने वाले तमाम अनफी फुकहा को गलती लग गई, तीसरी सदी हिजरी तक किसी हनफी आलिम का फतवा मौजूद नहीं है कि दीनी उमूर पर उजरत लेना हलाल हो। पहले तो आप इनको फिका हनफी पर अमल कराएं, सवेरे मौलवी साहब की छुट्टी करें तनख्वाह बंद कर देख तो मैं कितने देर मस्जिद में रहता, कारी साहब की तनख्वाह बंद करो ताकि फिका हनफी पर अमल हो। तो मौलवी को फतवा कहां से मिल गया तनख्वाह लेने का? अबू दाऊद की शरह फतल मजबूत और हनफियों की ये जो मिशकात की
शक्तियां मदारे से पढ़ने वाली उसके ऊपर मुल्ला निकाली अनफी वगैरह का हाशिया वहां पर हाशिए में इमाम साहब का मजहब लिखा हुआ है कि उनके नजदीक दीनी उमूर पर कुदरत अलल कुरान जो है ये क्या है हराम है। कहते इमाम शाफी के नजदीक जायज है। किसके नजदीक जायज है? और तेरे पेट का मसला हो तो शाफी के फतवे पे अमल कर लेता है। किसी जाहिल और नादान शख्स जितने मर्जी सवाल पे तो इंशाल्लाह जवाब दे के जाऊंगा, किसी नादान शख्स जहालत और नादानी में कठिन तीन तलाकें दे दी तो उसको कहता फिका से निकल कर फतवा मांगना जायज नहीं है। जिस फिका हम्फी से तूने खुरूज इख्तियार करके इमाम शाफी के कौल पर फतवा दिया है उसी उसूल के मुताबिक अवाम तेरी फिका से निकल कर कुरान फतवा लेके अपना घर नहीं आबाद कर सकते। बदलुल मजहूद में लिखा कद अफ्तौ बाज़ुल मुताख़िरीन अला मज़हब शाफ़ी लिज़ुरूरत है, जरूरत के लिए हमारे बाद में आने वाले मौलवियों ने इमाम हनीफा का मज़हब छोड़कर इमाम शाफ़ी के मज़हब पर फतवा दे लिया है। क्या जरूरत थी? मैं कहता हूं वही जरूरत है जो परवेज मुशर्रफ को दिया गया नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत में कानून बदल जाते हैं। कहते हैं मौलवियों के बारे मशहूर है ना, अपने घर की बारी और हाल लम्मा पा के फिर मंडे को
बच्चा कब पैदा हो जाए? जो
जो ये कहते हैं कि दीन देना जायज है उनका बाप, और ये बाप मानकर बताया कि असलाफ में ऐसे भी सलफ सालेहीन में लोग हैं जो कहते हैं दीन देना जायज नहीं है। तो इसके बाद अल्लाह के तरफ ये खिलाफ फजाहत ताऊस जय गौर बातिया तकरीर करने वाले ने कहा कि ये जो ना तीन कठी तीन होती हैं ये इनके इब्ने तैमिया ने सबसे पहले फतवा दिया। किसने? इनके इब्ने तैमिया ने फतवा दिया। फिर क्या कहा इमाम इब्ने तैमिया के बारे में अलियाज बिल्ला, कहते जी उनका मुंह काला करके खोते पे बिठा के गले में जितना छितना के हार पा के गली गली फिराया। किसके बारे में कहा? इमाम इब्ने तैमिया के बारे में। जा इमाम इब्ने तैमिया को वक्त का बहुत बड़ा फकीह मुहद्दिस और मुज्तहिद और अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम करार दिया। सच वो है जो अगले की जुबान से निकल रहा है, जादू वो जो ये कली कली आज कल हमारा जुमराती हाफिज नहीं पढ़ पढ़े हाफिज करण तकबर मुल्ला करण वड़ियाई हूँ गलियां दे रहे फिर नमाने बगल किताबा चाही हूँ जिते बेखन चंगा चौका उते पढ़न कलाम सवाई हूँ दुई जाने कुठे बाहुद न खाती वेच कमाई हूँ। ये हाफिज नहीं, वो हाफिज हदीस है, वो हाफिज कुरान है, अपने वक्त का अकाबिर अहले सुन्ना वल जमा के उलामा में से है। ये भी याद रखना अहले सुन्ना वल जमा से मुराद बरेलवी नहीं है, उस वक्त बरेलवी पैदा भी नहीं हुए थे जब इमाम इब्ने तैमिया थे। ये तो हिंदुस्तान की बात है, 1857 की जंगी आजादी से पहले विलादत हो रही है साल एक, ये तो यहाँ की बात है। ये भी कभी कोई मौका मिला ना जाने सुनने कौन है, इंशाल्लाह बताऊंगा आपको तफसील से। इब्ने तैमिया वाले सुनना, इब्ने कय्यिम वाले सुनना, इब्ने कसीर वाले सुनना, ज़हबी वाले सुनना, इब्ने अब्दुल हादी वाले सुनना, आले सुनना भी मुहद्दिसीन है। ये बात क्यों के इमाम अहले सुन्नत
ये आज सुनना बरेली नहीं है यहाँ पर, वहां तो बरेली पैदा भी नहीं हुए थे। चलो सिमरन बात आई तो एक और भी कह दूं। कहने वाले ने कहा इनका नाम अंग्रेज ने अलाट किया था, इनका नाम अंग्रेज ने अलाट किया था, अंग्रेज दौर से पहले इनका कहीं नाम ही नहीं था, इनको भाभी कहते थे। इन्होंने अंग्रेज के पास जाकर मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी ने दरखास्त की कि मैं भाभी की बजाय हमारा नाम अहले हदीस लिखो। हालांकि उसके पीछे पसे मंजर ये नहीं है जो बयान किया जाता है। मैं कहता हूँ ये भाई क्या नाम आपका, अहमद यार। अब उसका नाम बिगाड़ कर उसको यारा कहना शुरू कर दे और ये लोग जा करके भी मेरा ये नाम नहीं, मेरा जो असल नाम है वो पुकारो, ये जुर्म। नाम अहले हदीस हो लोग उसको बिगाड़ कर भाभी पता क्यों कहते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुकल्लद बनाकर। एक तरफ में कहते हैं ये तैयार मुकल्लद है, दूसरे में कहते हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब के मुकल्लद है, कोई जुबान एक हो तो बंदा बात करे। उनकी तरफ मंसूब करके कहते थे। हमारे उलमा ने कहा हमारा उनकी तकलीफ से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे हदीस से दरअसल हमारा नाम है वही पुकारा जाए। और ये कोई आजकल का नाम नहीं है, मेरे सारे हवाले इन्हीं के घर से देने हैं। ये ज़िया कुरान और किताब छत सुना है पीर करम शाह साहब ढेरे वाले का नाम, हाँ उनके मदरसे का उस्ताद है अबुल इरफान मोहम्मद अनवर मखालवी मिन उलमा दारुल उलूम मुहम्मदिया मौसिया ढेरा शरीफ। किताब का नाम है अल उसूल इला उसूल फी उसूल फिक्र, ये उसूल फिका है। और इस किताब के सफा नंबर 24 के ऊपर कहता है मदीना तैयबा में हजरत सईद बिन मुसैयब की जेर निगरानी एक मदरसा कायम हुआ। किसकी जेर निगरानी? जानते हो कौन थे? बहुत बड़े ताबी थे, कई सहाबा के शिरत थे सईद बिन मुसैयब। तो कहते मदीना तैयबा में हजरत सईद बिन मुसैयब की जेर निगरानी एक मदरसा कायम हुआ जो नजरियाती तौर पर अहले हदीस के लकब से ज्यादा मशहूर था। सईद बिन मुसैयब की जेर निगरानी मदरसा कहाँ था? मदीना में रसूल पाक के शहर में। और वो मदरसा किस नाम से मशहूर था? अहले हदीस। अंग्रेज के दौर से पहले की अहले हदीस मस्जिद दिखला दो, उस वक्त अंग्रेज था। वो मसला भी आ गया ना कि अंग्रेज दौर के पहले कोई मस्जिद मदरसा है हदीसों का, रसूल पाक के शहर मदीने में हदीसों का मदरसा कल भी था आज भी है। रसूलुल्लाह के जमाने में भी मस्जिद नबवी में पढ़ने वाले लोग कुरान व हदीस पढ़ते थे। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, अल्लाह कुरान में सूरत बकरा पहला पारा, दूसरा पारा सूरत आले इमरान, मुसैयब सहाबा ताबीन के जमाने में भी मदरसा था जो अहले हदीस के नाम से था। ये दूसरा हवाला, अंग्रेज दौर से पहले के अहले हदीस या सर तकासीम भी मारफत अकालीम एक हनफी आलिम की किताब है। इसके मुअल्लिफ ने अपना हनफी होना बकायदा इसके सफा 46 के ऊपर जिक्र किया है। इसने लिखा है कि मैं हनफी हूँ। कहते हैं इख्तार तो मेरा मजाहिब मजहब अबी हनीफा, सफा नंबर 46 कहते मैं इमाम अबू हनीफा के मजहब का हूँ। तो क्या हुआ? तो ये हनफी हुआ। और ये हनफी आलिम और इसकी वफात ये इसने लिखा 336 हिजरी में ये दुनिया में आया है। कब? 336 में वफात
मुझे फौत हुआ 336 में पैदा हुआ, अंग्रेज का तो वजूद ही नहीं था उस वक्त। तेरी इस किताब के अंदर भी सफा नंबर 45, 46, 153, 300, 280, 291 बेशुमार मकाम पर तुम्हारी इस किताब के अंदर अहले हदीसों का जिक्र है कि दुनिया के मुख्तलिफ खितों का तस्करा करके बताया गया है कि हिंदुस्तान में भी अहले हदीस थे, आज़रबैजान में भी अहले हदीस थे, दुनिया के और कोनों में भी तीसरी चौथी सदी हिजरी में अहले हदीस मौजूद थे। सैयद मुसैद पहली दूसरी सदी हिजरी में, ये तीसरी चौथी सदी हिजरी का हम भी मालूम कह रहे अहले हदीस उस वक्त भी थे। और जब मैं एक और तोहफा देता चला जाऊँ, हम जो अहले हदीस है अल्लाह तुम्हारे किताब लिखी एलाम अलाम
بے اللہ ہندوستان دار الاسلام فتاوہ رسلیہ میں موجود اعلیٰ حضرت کی اعلام العالم بے اللہ ہندوستان دار الاسلام ان کا ہندوستان دار الاسلام ہے یہاں لڑنے کی انگریز کے خلاف ضرورت نہیں ہے تو انگریز کی بات وہ کرے جس نے انگریز کی کاسا لیسی کی ہو ہم تو اللہ کے فضل اس وقت بھی انگریز کے مخالف تھے جہاد کے حمیتی تھے آج بھی ہم انگریز کے مخالف تھے اور جہاد کے حمیتی ہے رب کے قرآن کے مطابق جاہدو قاتلو کے فرض اللہ کے قرآن میں پڑھ پڑھ کے میدان کارزار میں انگریز کے خلاف مصفے تو اب بستہ کر کے کھڑی کر کے ہر محاذ کے اوپر اللہ کے فضل جماعت کے مجاہدین موجود ہیں یہ کہنا کہ انگریز دور کی بات ہے انگریز سے پہلے یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا اور ابن تیمیہ نے طلاق کا فتویٰ دیا جا اپنے گھر کی کتاب اٹھا کے دیکھ بخاری کی شرح علامہ بدر الدین عینی کی 233 صفحہ ہے اور 30 نمبر جلد ہے کہتے ہیں فضاحہ و طاؤس تین طلاق ایک اور تین مذہب کس کا امام طاؤس کا طاؤس بہت بڑے تابعی تھے محمد بن اسحاق کون ہے محمد بن اسحاق تیرے امام ابو حنیفہ کے استاد جا امام صاحب کی مسند اٹھا کر دے یہ جو صبح کی نماز چپے چاہتا ہے نا تو اور دلیل دیتا ہے پوچھ تیرے امام نے دلیل کس استاد سے تیرے امام کی مسند ہے کہ محمد بن اسحاق سے نہیں تیرے قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج 31 حدیثیں لایا قاضی ابو یوسف امام محمد بن اسحاق تیرے قاضی کا بھی استاد ہے تیرے امام کا بھی استاد ہے وہ یہ کہتے تھے تو یہ انگریز تھا پھر والحجاج بن مرتاب بن نخعی یہ نخعی کون تھے امام ابو حنیفہ کے دادا استاد وقن مقاتل اور وزاہریہ یہ سارے امام سے پہلے کیا ان کے استاد نے کچھ بات کی دوبارہ امام بخاری نے باب کیا باندھا جس نے تین طلاقوں کو جائز کرا اپنا حکم نافذ نہیں کیا جیسے باقی بابوں میں کرتے ہیں پھر یہاں پر ایک حدیث پڑھی گئی حدیث کیا ہے اللہ اکبر عویمر اجلانی کے میں نے وہ قرآن کی آیت کی طرف بھی آیا ذرا میں حدیثوں کی وہ بیچ میں بات آ گئی تو جتنا عرض کر رہا عویمر اجلانی قصہ مختصر کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ناشائستہ حرکت ہوئی بلاخر اللہ کے نبی کے پاس ہے پہلے اپنے ساتھی عاصم بن عدی کو بھیجا تسلی نبی پر خدا آگئے تو پڑھنے والے نے حدیث تو بخاری سے ذکر کی کیا لیان ہوا نا چار قسمیں عورت کہا لے گئے گی میں سچی ہوئے جھوٹا ہے اور اگر میں جھوٹی تو مجھ پر اللہ کی لعنت اس طرح چار قسمیں مرد کھائے گا پانچویں بار اللہ کی لعنت اور غضب کا ذکر کرے گا اچھا جب لیان ہو گیا مسئلہ سمجھو لیان کیا کہتے ہیں مرد اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اس کی غیرت تو نہیں نا مان جی کس عورت کو پاس رکھے اب اس کا کیس عدالت میں آ گیا دونوں طرف سے لعنتیں ہوئیں اس کو لیان سے تبدیل کیا گیا اب لیان جب ہو گیا نا تو عویمر نے اس وقت غصے میں تھا تین طلاق اکٹھی تھی تو کہنے والوں کو دیکھو رسول اللہ کے سامنے تین طلاق اکٹھی تھی ہوئی کہ نہ ہوئی بخاری سے ثابت ہو گیا بخاری پڑھنے بھی آتی ہے میں بتا دو بخاری کہتے کیا ہے وہ کہتا ہے بنا حکم نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ان کو بخاری آگے کی ماں بخاری کیا حدیث آئی وہ جب عویمر اجلانی نے لیا کر دیا اور کیا اب ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے تین طلاقیں اکٹھی ہوئیں آپ چپ رہے لہذا تین واقع ہو گئی نا کاش کے حدیث کی آگے بھی پڑھ لیتا وہ
तीन तलाकें आपके सामने थी उनके घर से कच्ची तलाकें दी तो क्या कहा अयुन आपो पे किताब करम शाह साहब फेरे वाले का फतवा तलाक दे दावत फिक्र नजर तीन तलाकों का मसला नसाई की हदीस से मैंने जिक्र की ये दिलाया कि आपने क्या था मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब के साथ खेला जा रहा है इस्तेजार मजाक का तीन कट्ठी तलाक देना तो उसको रसूलुल्लाह ने क्यों ना मना किया तो तेरे पीर करम शाह साहब ने अपनी किताब में इसका जवाब लिखा और बाकी मुहद्दिसीन भी कहते हैं कि इसलिए नहीं उसको आप ने रोका या मना किया और गुस्से में थे कि गुस्से में आकर कोई और ना जेबा ना शायस्ता कलमा ना कह देता तो रसूल पाक चुप रहे क्योंकि तफरीक लियाम के साथ ही हो चुकी थी दलील बुखारी वही सफा वही लाइन जहां से हदीस पेश की आगे लिखे फकाना तल कर सुनना तुम मुतलाए नहीं लियान के साथ जुदाई होगी तो फिर तो तलाक कहता फिर तो फर्क पड़ेगा और ये बुखारी है बुखारी मिसरा के सर सफा नंबर 899 इसी जिल्द में आगे लिखा हुआ सफा नंबर 899 इसके अंदर आगे जाकर उसकी तशरीह की है सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आगे जाकर इसी हदीस को दोबारा लाए इमाम बुखारी का एक तरीका है इस्लाम है ना कई दफा उस हदीस को इमाम बुखारी कई बार लाते हैं बाद से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 35-35 बार भी सही बुखारी में लिखा दी एक हदीस कितनी बार 35 बार भी इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर बयान की क्यों बार बार लाए हर जगह नया बात बांध कर इमाम बुखारी उससे नया मसला निकाल दे ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुहद्दिसीन सिर्फ काला काला रसूलुल्लाह नहीं करते उन्हें हदीस का मतलब भी आता है हजरत आयशा की एक हदीस पर 35 दफा नकल करके 32 बार बांध कर इमाम बुखारी ने एक हदीस से 32 मसले निकाले अब आपको मैं सही बुखारी से ही हदीस रद्द करता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बुखारी में किताब तलाक के अंदर ही आप का इरशाद मौजूद है कहते बफार कहा इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ उसकी जुदाई हो गई फकाला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा का तफरीकुन बैन कुल मुतलाए नहीं है दो लियान करने वालों के दरमियान लियान से ही जुदाई हो जाती है ऐसे ही बुखारी किताब तलाक बाब हदीस नंबर 5309 इमाम बुखारी ने खुद यही हदीस आगे लाकर बताया हुआ है उवैमर अजलानी की जुदाई किसके तलाक के जरिए हुई कि लियान के जरिए जब लियान के जरिए जुदाई हो गई तो तलाक तलाक कहना ही फजूल है और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी आपको ये बात बता दूं ये अल मुसन्नद इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 36 हदीस नंबर 29675 अली इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा जल्दी लेना जे दो दिन के अंदर हो गए इंशाल्लाह अली इब्न अब्बास ने कहा फर्राका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनहुमा यानी अल मुतलाइन नबी पाक ने लियान करने वाले दोनों के दरमियान तफरीक और जुदाई की वक्त
अल्लाह कई तरह नहीं है भला पूता। आपने ये फैसला किया लियान से जब जुदाई हो जाए मर्द के जिम्मे औरत को ना घर कोई देना है ना कोई खुराक का बंदोबस्त करना है। क्यों मिन अजल अन्नहुमा यतफर्रकान मिन खैर तलाक मिन अजल किस वजह से अन्नहुमा को लियान करने वाले दोनों यतफर्रकान दोनों में तफरीक और जुदाई होती है कैसे मिन खैर खर्चा भर देना नहीं है। लियान के जरिए जुदाई है कि तलाक के जरिए? लियान के जरिए। सहाबी रसूल भी बता रहे नबी पाक ने तफरीक की दोनों के दरमियान बगैर तलाक के। हदीस पर लियान की और मसला निकाले तलाक का। अब बताए पिंसारी कौन है, हकीम कौन है? फिर दो हदीसे और पढ़ी सही बुखारी से, कहते हैं आगे हदीस है एक और। मैं तो उस जुबान से तर्जमा भी नहीं करता हदीस का जिस जुबान से वो कर रहा था। आप बताएं अल्लाह उसके रसूल की बातों का तर्जमा मुहज्जब तरीके से करना चाहिए या फारसी और उरियानी पर मबनी हो? सीडी मेरे पास है उनकी, आप भी सुन लेना, जो वहां मौजूद थे उनको पता होगा। हदीस में पढ़ते हो बता दो उसने क्या तर्जमा किया। रिफा कुरैशी رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رضی اللہ عنہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک کے پاس آئی فقالت یا رسول اللہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان رفاعت طلقنی فبت طلاقی میرے خاوند نے مجھے طلاق دی اور پکی طلاق دے دی۔ اب طلاق بتا سے وہ کیا نکال رہے ہیں تینوں اکٹھی ہو گئی۔ حالانکہ بتا کی دو قسمیں ہیں एक को कहते हैं बैनुना सुगरा और एक को बोलते हैं बैनुना कुबरा, एक छोटी पकी और एक बड़ी पकी। यूं समझ लो और जैसे फिका हल्दी में कच्ची रोटी और पक्की रोटी है ना, किताबें कच्ची रोटी और पक्की रोटी सुना है आपने। हम पढ़ते भी रहे जब हदीस नहीं थे हमारे दुकानों में मौजूद है वो पक्की रोटी पढ़ाई इसलिए ना मौली साहब को ना कुछ नहीं आता ना तो कच्ची पक्की रोटी आ रही रोटी खाने के दस सूरते याद कर ली नमाज पढ़ा लेंगे मौली साहब रोटी खाने के काफिल हो गए किताब छोटी उसको बना दी नाम क्या रखा पक्की रोटी। और है ये रोटियां खाने मारे नाराज ना होना। कहते हैं हमारी फिका पे पानी है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रसी अल्लाह हो दुर्रे मुख्तार फिका हम्बी की किताब में लिखा हुआ बोया और उस खेत को पानी अलकमा और असवद ने दिया था। जब खेत पक गया तो उसकी कटाई इब्राहिम नखी ने की और जब वो कटाई हो गई टूड़ी और दाना जुदा जुदा हमाद में अभी सुलेमान ने किया। उस दाने को पीस कर आटा इमाम अबू हनीफा ने बनाया और उस आटे को पानी डालकर गूंदा उसको काजी अबू यूसुफ ने और उस गूंदे पे आटे की रोटियां पकाई इमाम मोहम्मद ने और सारी गांव वही रोटियां खाने वाली है। तो यूं समझ लो एक कच्ची तलाक एक पक्की छोटी पक्की और बड़ी पक्की। आजकल स्कूलों में पहले हम जब पढ़ते थे तो सीधा पहली क्लास होती थी आज आपको पता ना पहले फिर नर प्ले ग्रुप फिर नर्सरी फिर प्रेप और फिर बंद। तो एक तलाक औरत को तलाक देने के बाद सुलह नहीं की इज्जत गुजर गई तो औरत निकाह से निकल गई। अब औरत अगर चाहती है इसी खामत से तब भी नया निकाह हो औरत इस खामत को नहीं चाहती किसी और आदमी से निकाह करना चाहती तब भी इसमें इजाजत है क्योंकि इसके निकाह से इज्जत के बाद निकल गई एक तलाक हो गई एक तलाक से भी काम हो जाता। फिर आदमी ने तलाक दी इज्जत के अंदर क्या सुलह इज्जत के अंदर बगैर निकाह के इज्जत गुजर जाए फिर आपस में
रजामंद हो जाए तो नया निकाह कर इकट्ठे हो सकते। फिर जिंदगी में तीसरी तलाक दे दो वक्तों के बाद, कुरान जो तलाक देख वक्त वक्त मैं बाद में करूंगा, तीसरी तलाक दे दे तो फिर ये पहले आदमी के लिए हलाल। तो ये है किसी मुहिबे रसूल मुहिबे आ जाता है तो मुहिबे साहबा